Assalamu alaikum, dear student. I am Professor Sayyidhar Abha Fatima. We are doing unit number 10, Congruent Triangles, grade 9th. Today, we are going to solve two questions related to the last corollary that we have proved. So, let's move towards the light board. This is the example, and this is the exercise 10.1 question. Today, we are going to solve both of them. So, what do read? Do? Do and obviously, we have now, results. प्रूफ किए हैं और यूज़ किए हैं कुछ पॉस्टुलेट से कुछ थेरम के थ्रू कुछ क्रोलरी के थ्रू तो हम देखेंगे कि हम कौन से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और उसको कर सकते हैं इनको प्रूफ ओके स्टूडेंट हमने अभी तक आ, कौन कौन से किए एस एस पॉस्टुलेट हमने पढ़ा है उसके बाद एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंट एंगल साइड एंगल थेरम की स्टेटमेंट है हमारे पास उसके बाद हमारे पास है क्रोलरी वो क्या थी साइड एंगल एंगल ओके okay. तो हम देखेंगे कि हमें पहले रिक्वायर्ड uh, क्या है हमने क्या चीज़ प्रूफ करनी है यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली अपने रिजल्ट को करेंगे यहाँ पे यूज़ सबसे पहले चलते हैं एग्जांपल की तरफ इफ़ ट्रायंगल ए बी सी एंड डी सी बी अगर हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी एंड डी सी बी मतलब ये एक ट्राइंगल और ये नीचे वाला एक ट्राइंगल ये दो पूरा एक ट्राइंगल हम बात कर रहे हैं पूरे नीचे वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं ऑन द ऑपोजिट साइड क्या है दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट साइड है ऑफ कॉमन बेस दोनों की बेस तो सेम है स्टूडेंट्स लेकिन एक दूसरे के लिहाज से क्या है ऑपोजिट है ओके okay. और क्या गिवन है कॉमन बेस क्या है हमारे पास बी सी कॉमन बेस है सच दैट ओके अब हमें क्या क्या कंडीशन गिवन है उसको समझेंगे ए एल परपेंडिकुलर टू और परपेंडिकुलर ओवर बी सी ए एल जो है हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है जो कि परपेंडिकुलर है किस पे बी सी पे परपेंडिकुलर है डी एम भी क्या है परपेंडिकुलर है बी सी पे एल भी बी सी पे परपेंडिकुलर है और डी एम भी बी सी पे क्या है परपेंडिकुलर है उसके बाद फर्दर हमें ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि ये जो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट्स हैं दोनों हैं कॉन्ग्रेंट देन बी सी बायसेकट्स ए डी हमने ये प्रूव करना है कि बी सी ए डी को क्या कर रहा है बायसेक्ट कर रहा है अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने बायसेक्ट वर्ड की बात की है तो वर्ड को जरा देखेंगे बाय मींस टू सेक्ट बेसिकली शो कर पार्ट्स को, को तो हम यहाँ पे कह देते हैं इसको लेकर चलते हैं पार्ट्स इसका मतलब है बायसेकट का मतलब यह है कि, कि किसी भी चीज को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो हम कहते हैं वो बाइसेकट है या जिससे उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाए वो उसका क्या होता है बाइसेकटर होता है तो हमने क्या कहा है यहाँ पे कि लाइन सेगमेंट बी सी AD। ए डी मतलब अगर हम बी सी की बात कर रहे हैं बी सी लाइन सेगमेंट को जो हमारे पास ए डी लाइन सेगमेंट है वो क्या कर रही है बाइसेकट कर रही है बाइसेकट करने का मतलब है कि टू इक्वल पार्ट्स में कर रही है डिवाइड तो हमने बेसिकली ये प्रूव करना है कि ये हमारे पास जो हैं हम लेंथ्स हैं जो आई हैं डिवाइड करने के बाद और डिवाइड हुआ है किस पॉइंट पे एंड पॉइंट पे डिवाइड हुए हैं वो क्या हैं कॉन्ग्रेंट हैं सेम है इस चीज़ को हमने करना है इसमें प्रूफ इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे इसको प्रूफ करने के लिए हम लेंगे दो ट्रायंगल्स जो इनमें से हमें नज़र आ रही हैं वो दो ट्रायंगल्स कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स वो मैं आपको करूंगी अब शो ये वाले अच्छा एक चीज़ यहाँ एक और शो करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि ये बात हमेशा याद रखें अगर ये इस पेपर पेंडिकुलर है और इस साइड पर 90 डिग्री एंगल है तो इस साइड पर भी क्या है हमारे पास 90 डिग्री ही एंगल है इसी तरीके से ये इस पेपर पेंडिकुलर अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी क्या है नाइन्टी डिग्री ही है तो संभव ये थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए लेकिन अब हम बात करते हैं हम कौन से दो ट्राइंगल की कॉरेस्पॉन्डेंस लेंगे और इस चीज़ को प्रूव करेंगे कि हमारे पास क्या है ये जो दो हमारे ये हमारे पास जो लाइन सेगमेंट है ए बी इसकी अगर मैं इस पार्ट को ए एन और एन डी की बात करूं या डी एन या एन ए की बात करूं तो वो दोनों क्या हैं कॉन्गोरेट हैं तो ऑब्वियसली मुझे ऐसे दो ट्रायंगल्स लेने हैं जिसमें ए डी दोनों में आता हो अब देखें मैं अगर ये वाला ट्रायंगल लूं इस ट्रायंगल में तो मेरे पास ए डी आ ही नहीं रहा ए एल आ रहा है नहीं ले सकते उसके बाद अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूँ स्टूडेंट यहाँ पे एन डी आ रहा है ये दोनों कम्बाइन नहीं पूरी हमारे पास ए डी नहीं आ रहा कि हम उसको इन दोनों का अगर करें कम्बाइन तो क्या आ जाए हम इस चीज़ को प्रूफ कर सकें ओके उसके बाद देखते हैं कि हम अगर ये ट्राइंगल लें ये वाला तो क्या और इसके साथ साथ मुझे दूसरा ऐसा ट्राइंगल लेना है जिसके साथ मैं उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस सेट कर सकूं। अगर मैं ये इसे देखूं और इससे देखूं इन दोनों को गौर से देखें स्टूडेंट्स तो अगर मैं इन दोनों को देखूं तो मुझे वो मिल जाएगा कि जिससे मैं ए डी को यूज़ करूंगी और इसको फर्दर कंक्लूड कर सकती हूँ एक रीज़न ये है कि दोनों में आ रहा है ए डी एक और क्वेश्चन आएगा आपके माइंड में जो कि मैं पहले ही क्लियर कर दूँ अब इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को ज़रा गौर से देखें इसमें इस, इस ट्राइंगल में भी ये पार्ट है इस ट्रायंगल में ये पार्ट है जैसे कि हमने इन दोनों के लिए लिया है अब इन दो ट्रायंगल्स में ए डी है तो सही लेकिन हमें इसमें कोई ऐसी कंडीशंस गिवन नहीं है जैसे कि यहाँ पर परपेंडिकुलर होने की कंडीशन गिवन है ए डी ए एल और हमारे पास जो है डी एम है उनके सेम होने की उनके कॉन्ग्रेंट होने की इंफॉर्मेशन गिवन है लेकिन अगर हम इन दो ट्राइंगल्स को ले लेते हैं ऐसी कोई हमें इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है इसलिए ए डी इन दोनों में आ तो रहा है लेकिन हम इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि हम कोई इस पर अपने थेरम की स्टेटमेंट अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा अच्छा हमें कोई गिवन नहीं है चीज़ तो ये हम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि इसमें ए डी नहीं है ये भी इसलिए नहीं ले रहे एडी नहीं है ये भी इसलिए नहीं ले रहे कि ए डी नहीं है अब हमारे पास बचे एक दो तीन चार इन दोनों को लें कॉरेस्पॉन्डेंस या इन दोनों की कॉरस्पोंडेंस लें तो ऑब्वियसली हम लेंगे इन दोनों की कॉरेस्पॉन्डेंस रीजन रीजन मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो हमें गिवन है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो कि और जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंगली हमें यही लेना ही सूटेबल रहेगा तो हम ले रहे हैं इन दो ट्राइंगल को मैंने इस तरीके से कर रही हूँ यहाँ पे शो ऑब्वियसली आपने इस तरीके से शेडिंग नहीं करनी है ये शेडिंग आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए की जाती है तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने थ्योरम को सबसे पहले तो हम लिखेंगे गिवन गिवन क्या है स्टूडेंट हमें यहाँ पे करते हैं मेंशन गिवन में क्या है हमें गिवन में है ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी सी बी आर ऑपोजिट साइड्स दोनों की क्या है ऑपोजिट साइड है दो हमें बेसिकली ट्राइंगल गिवन है किस तरह के ट्राइंगल गिवन है जिसमें हमारे पास बी सी क्या है बेस है ए एल और बी सी पर एल परपेंडिकुलर है बी सी पे डी एम परपेंडिकुलर है बी सी पे दोनों ही बी सी परपेंडिकुलर हैं और हमारा जो है डिस्टेंस है एल का और डीएम का वो क्या है सेम है जिसे हम कह रहे हैं कॉन्ग्रंट है इन सब चीजों को हम करेंगे यहां पर मेंशन और अपने क्वेश्चन को करेंगे स्टार्ट ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी सी बी आर ऑन द ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ कॉमन बेस सच दैट अब जो जो हमें गेवन है इन चीजों को करेंगे यहां पर मैंशन ए एल परपेंडिकुलर ओवर बी सी एंड डीएम पर पेंडिकुलर ओवर बी सी एंड ए एल एंड डीएम आर कॉन्ग्रेंट एल to एम ये चीजें हमें क्या है यहाँ पर गिवन है जो कि हमने कर दी है मैंशन ओके okay. ये हमने गिवन है और हमें क्या चीज गिवन है जो चीज हमें गिवन है वो हम बताएंगे कि ए डी को बी सी क्या कर रहा है कट कर रहा है किस पॉइंट पे पॉइंट एन पे तो यहाँ पे मैंशन करेंगे एंड ए डी इज कट बाय बी सी एट एन ओके ये सब चीजें हमारे पास आ गई गिवन में हमने प्रूफ क्या करना है जो हमने प्रूफ करना है उसको करते हैं यहाँ पर मेंशन टू प्रूफ हमने क्या प्रूफ करना है ए एन कॉन्ग्रू डी एन अगर दोनों कॉन्ग्रेंट होंगी सेम होगा उनका तभी तो ये शो होगा कि वो बाइसेकट हुई हैं क्योंकि हमने बाइसेकट में देखा है कि हमारे पास जो दो पार्ट्स हैं वो क्या होते हैं इक्वल होते हैं ये चीज़ हमने करनी है स्टूडेंट प्रूफ अब हम आगे फ़र्दर मूव करते हैं प्रूफ अब यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं की क्योंकि हमें कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि हम ख़ुद से कोई चीज़ यहाँ पे ऐड करते फिगर में जो कि कंस्ट्रक्शन में कंसिडर की जाती अगर हमने की ही नहीं तो हम उसको मेंशन भी नहीं करेंगे अब प्रूफ पे हम क्या करते हैं स्टेटमेंट्स लिखते हैं और उसके लिखते हैं रीजन so, यहां पे उसको मेंशन करेंगे स्टेटमेंट्स एंड द रीजन ओके सो अब हमारे पास स्टूडेंट क्या आ जाएगी स्टेटमेंट क्या आ गई है हमारे पास सबसे पहले तो हम लेते हैं अपनी कॉरेस्पॉन्डेंस ट्राइंगल की वो हम कौन सी ले रहे हैं उनको करेंगे यहाँ पे मेंशन अब ट्राइंगल ले रहे हैं इन ट्राइंगल ए एन अब हम कॉरेस्पॉन्डेंस कौन से दो ट्राइंगल्स के ले रहे हैं वो यहां पे हम करेंगे मेंशन इन ट्राइंगल एल एन कॉरेस्पोंडेंस उसकी हम ले रहे हैं किसके साथ ट्राइंगल डी एम एन अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट मैंने यहाँ पे एल को दरमियान में रखा है यहाँ पे हम मैंने एम को रखा है क्यों यहाँ पे क्योंकि हमें उनके एंगल्स पता है क्योंकि परपेंडिकुलर है तो एंगल क्या बनाएंगे नाइन्टी डिग्री बनाएंगे तो जो एंगल होता है और जब हमें उसका गिवन भी है ऑब्वियसली तो हमने उसको रखना है दरमियान में इसलिए मैंने ये वाली कॉरेस्पॉन्डेंस यहाँ पे की है चूज़ जैसे कि हमें पता है कि हम कॉरिस्पॉन्डेंस कोई भी ले सकते हैं लेकिन मैंने ये चूज़ इसलिए किया इसमें मुझे क्या चीज़ गिवन है एंगल को शो करना था वो दोनों को मैंने शो कर दिया है वो कहाँ पे है एल और एम पर है इसके बाद अब हम देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें कॉमन ले रहे हैं मतलब हमें पता है कि क्या चीज़ कॉमन है साइड या एंगल वो अब हम करेंगे यहाँ पे मेंशन अब हम बात कर रहे हैं जो हमें गिवन है स्टार्टिंग में ही के हमारे पास दो लाइन सेगमेंट ऐसी हैं जो कि क्या है कॉन्ग्रेंट है वो हमें गिवन है उनको मैंशन करेंगे लाइन सेगमेंट ए एल कॉन्ग्रेंट टू लाइन सेगमेंट डी एम और इसका रीजन क्या लिखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे हम इसका रीजन लिखेंगे गिवन ओके okay, उसके बाद हम बात करते हैं एंगल्स की एंगल्स में हमारे पास क्या क्या है अब ये जो 90 डिग्री की वजह से हमने दरम्यान में थे नहीं एंगल की बात कर लेते हैं एंगल एल एन टू एंगल डी एम एन रीजन क्या लिखेंगे दोनों किस पे हैं 90 डिग्री एंगल है दोनों का एंगल इज 90 डिग्री दोनों का ही एंगल क्या है 90 डिग्री है इस से हमने इनको क्या ले लिया कॉन्गुरेंट ले लिया अच्छा अब स्टूडेंट हमने इस साइड की बात कर ली इस एंगल की बात कर ली यो जो जो कि हमारा एंगल आ रहा है यहाँ पे मैं मेंशन करके आपको दिखाने लगूं इसके बाद की उसके बाद हमने बात की इसकी अब हम नेक्स्ट जिस एंगल के बारे में बात करने जा रहे हैं वो एंगल है ये वाला इसको जरा गौर से देखें इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा हम जाते हैं एंगल की तरफ हमारे पास अगर दो पैरलर लाइन्स हों पैरल स्टूडेंट क्या होती हैं ऐसी दो लाइन जो एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट ना करें ओके मैंने ये क्या ड्रॉ की हैं दो पैरल लाइन्स ड्रॉ की हैं अब अगर मैं ये पैरेलल लाइन्स ले रही हूँ और इनको मैं क्या करती हूँ इनमें एक नॉन पैरल लाइन ड्रॉ कर देती हूँ इस तरीके से अब इन नॉन पैरल लाइन में ये नॉन पैरल लाइन मैंने इस पर ड्रा की है इस पर हम देखेंगे कि एक हमें एंगल बन रहा मिलता ये जो मैंने एक नॉन पैरल लाइन इन दोनों पे ड्रॉ की है जो कि इसको कर रही है इंटरसेक्ट इसी वजह से ये है नॉन पैरल तो हम एक देख सकते हैं ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल तो हम अगर इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लें इस तरीके से कि जिस तरह से ये फॉर्म है हमारे पास ये और ये तो हम बात कर रहे हैं इन दो एंगल्स की ये दो एंगल्स हमारे पास क्या होते हैं स्टूडेंट सेम होते हैं क्योंकि ये हैं वर्टिकली ऑपोजिट हमारे पास हमेशा इस सिचुएशन में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं सेम होते हैं इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे करने जा रहे हैं यूज हम यहाँ पे इन दोनों को ले लेंगे कॉन्ग्रेंट वन टू थ्री एंड वन टू थ्री ये मैंने मेंशन इसलिए किया कि आपको पता हो कि हम किस एंगल की और किस कॉन्सेप्ट के थ्रू इसको लेकर चलेंगे तो यहाँ पे हम क्या मेंशन करेंगे यहाँ पे हमने एन को मेंशन करना है या एन पे जो यहाँ पे बन रहा है एंगल और इसके रिस्पेक्ट से भी जो यहाँ पे बन रहा है वो एंगल वो क्या है कॉन्ग्रेंट है रीज़न क्या बताएंगे वर्टिकली ऑपोजिट रीज़न रहेगा यहाँ पे ट्राइंगल एन एल कॉन्ग्रेंट टू ट्राई डी एन एम जैसे कि हमें पता है कि हम इसको ये जो हमारा ट्राइंगल था यहाँ पे डी एम एन लिख रहे थे लेकिन हम इसको डी एन एम भी लिख सकते हैं तब भी ये ट्राइंगल है तो इससे फर्क नहीं पड़ता ये दोनों हमने कांग्रेस क्यों लिए क्योंकि ये हैं वर्टिकली ऑपोजिट वर्टिकली ऑपोजिट वर्टिकली ऑपोजिट हैं तो वो क्या होते हैं हमारे पास कांग्रेन होते हैं अब देखे स्टूडेंट एक साइड और दो एंगल्स इस तरीके से आए हैं कि हमारे पास जो एक साइड है उस पर दोनों एंगल्स कॉन्ग्रेंट नहीं आए एक साइड आई है कॉन्ग्रेंट एक एंगल है जो उस साइड के ऊपर है और दूसरा एंगल उससे हट के है तो हमने अभी क्या किया था हमने अभी अपने जो प्रीवियस लेक्चर्स में एक हमने देखा था ऐसा रिज़ल्ट जिसमें हम इस चीज़ को लेकर चलते थे कि अगर साइड है और दो एंगल हैं तो कंडीशन ये है कि साइड के साथ एक एंगल हर एक उससे हटके है तो वो हमारा था रिजल्ट एस ए ए इसका मतलब है कि एक साइड है और दो क्या है एंगल उन्हीं को यूज करते हुए हम कहेंगे कि दोनों ट्राइंगल्स हैं कॉन्ग्रेंट हैं तो मैं यहाँ पे करूंगी मैंशन देयर फॉर ट्राइंगल ए एल एन कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी एम एन अगर ये दोनों आ गए हैं ट यहां पर हम लिखेंगे रीजन एस ए एस ए ए साइड एंगल एंगल ये रीजन लिख दिया अब क्यों क्या स्टूडेंट हमारे पास दोनों हैं ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट तो इनकी साइड भी हमें जो हम फाइंड करना चाह रहे थे ए एन एंड डी एन ए एन एन डी एन क्या होंगे कॉन्ग्रेंट होंगे क्योंकि ये हैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हैं कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल की तो यहाँ पे हम इसको कर देंगे मैंशन फोर ए एन कॉन्ग्रेंट टू डी एन जो कि हमने प्रूव करना था रीजन क्या लिखेंगे कॉरस्पोंडिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल कॉरसपॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स ये स्टूडेंट वी हैव डन विद एग्जाम्पल एक्सरसाइज टेन पॉइंट एंगल कॉन्ग्रेन टू एंगल टू एंड ए बी इज कॉन्ग्रेन टू सी बी लाइन सेगमेंट तो हम क्या करेंगे सबसे पहले तो यहाँ पे करेंगे मैंशन के हमारा एंगल वन और एंगल जो टू है वो हम किन एंगल्स की बात कर रहे हैं ये आपको फिगर गिवन होगी जब भी आपको पूछा जाएगा या आपको टेस्ट या एग्जाम्स में इसके रेलिवेंट कोई क्वेश्चन आएगा ओके okay, ये हमारे पास फिगर गिवन है इसमें और क्या हमें गिवन है हमें ये गिवन है ए बी लाइन सेगमेंट सी बी लाइन सेगमेंट के क्या है कॉन्ग्रेंट है प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी डी ए बी डी इस कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी बी ई सी बी ई मतलब अगर मैं करती हूँ उसको थोड़ा सा प्रोमनेंट इस तरीके से ताकि हम इसको कर सकें सेपरेट ए बी ए बी डी लाइक दिस ये हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट ए बी डी आ गया है ओके okay. और दूसरा क्या है हमारे पास सी बी ई तो सी को भी थोड़ा सा शो करने की कोशिश करेंगे कि हम देख सकेंगे दोनों कौन से ट्राइंगल बन रहे हैं सी बी ई सो दिस इज सी सी बी दिस वन एंड दिस साइड ऑल्सो कंसिडर्ड इन दिस ट्राइंगल अब ये वाली साइड दोनों ट्राइंगल में आ रही है और ये वाली दोनों में आ रही है इसका मतलब यह है कि हम दोनों को क्या करेंगे शो करेंगे शो कि दोनों क्या है, है. Okay. कॉन्ग्रेंट हैं स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करते हैं अपने गिवन गिवन से given क्या है हमारे पास गिवन है हमारे पास एंगल वही चीजें जो हमारे पास लिखी हुई है गिवन में हम यहाँ पे मैंशन कर देंगे अब एंगल वन और एंगल टू जो है उनका क्या मतलब है उनको यहाँ पे हम करेंगे मैंशन एंगल वन कॉन्ग्रेंट टू एंगल टू इसका मतलब क्या है एंगल ए कॉन्ग्रेंट टू दूसरा एंगल कौन सा है एंगल सी वन और टू का मतलब ये है कि ये दोनों एंगल्स क्या है जो ए वर्टेक्स पे बन रहा है और जो सी वर्टेक्स पे बन रहा है दोनों हैं कॉन्ग्रेंट उसके अलावा एंड ए बी कॉन्ग्रेंट टू सी बी एक ये चीज गिवन है ओके okay. अब हमने क्या प्रूफ करना है टू प्रूफ टू प्रूफ में हम क्या राइट करेंगे टू प्रूफ में हम एंशन कर देंगे ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल सी बी ई अब कंस्ट्रक्शन हमने कोई इसमें की नहीं है तो हम कंस्ट्रक्शन नहीं लिखेंगे और डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे अपना प्रूफ अब प्रूफ में हमारे स्टेटमेंट्स और रीजन होते हैं तो यहां पे मेंशन करेंगे स्टेटमेंट्स रीजंस, ओके अब हम देखेंगे हम कौन से दो ट्रायंगल्स को ले रहे हैं हम कॉरेस्पोंडेंट्स लेंगे इन दोनों ही हम कॉरेस्पॉन्डेंस लेंगे इन्हीं दोनों ट्राइंगल की जिनको हमने प्रूव करना है कॉन्ग्रेंट तो हम यहाँ पे इनकी ले लेते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस ट्राइंगल ए बी डी कॉरेस्पॉन्ड्स टू ट्राइंगल सी बी ओके अब हम यहां से करेंगे स्टार्ट अब देखेंगे स्टूडेंट हमें क्या क्या चीजें गिवन है जो चीजें गिवन है उनसे करते हैं स्टार्ट और आगे फर्दर इसको करते हैं कॉन्टिन्यू हमें जो लाइन सेगमेंट जो कि हमें पता है कॉन्ग्रेंट है सबसे पहले तो उसी से स्टार्ट करते हैं ए बी कॉन्ग्रेंट टू सी बी अब ये देखें हमारे पास ए बी कॉन्ग्रेंट है सी बी के रीज़न हम क्या लिखेंगे ऑब्वियसली हम रीजन लिखेंगे कि हमें क्या था गिवन था उसके बाद एक और चीज हमें गिवन थी एक एंगल हमें गिवन था स्टूडेंट हम उसको करेंगे मेंशन जिस तरह का मैंने आपको कहा है कि एंगल को मेंशन करने के दो तरीके हैं एक तरीका है कि आप इस तरीके से वर्टेक्स को यूज करें दूसरा तरीका है कि आप उसके जो है इनिशियल और टर्मिनल आर्म को भी शो कर दें तो आप दोनों तरीके में से कोई तरीका भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं ओके तो यहाँ पे मैं एंगल वन और एंगल टू को ही मैंशन करूंगी कि दोनों क्या यहाँ है कॉन्ग्रेंट है तो यहाँ पे इनको करते हैं मैंशन एंगल ए कॉन्ग्रेन टू एंगल सी अब स्टूडेंट यहां पे देखेंगे कि हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लेकिन हम इसकी दूसरी फॉर्म को क्यों यहां पे यूज़ करेंगे क्योंकि हमने जो पॉस्टुलेट यूज करना है उस पॉस्टुलेट में हम अब दो एंगल्स हैं हमारे पास और एक साइड है अब हमारे पास दो एंगल्स और एक साइड के साथ हैं दो रिजल्ट्स। अब कुछ है हमारे थ्योरम्स और कुछ है हमारे पास क्रॉलरी uh, अब इनमें से हम देखेंगे दोनों में से एक थ्योरम या एक क्रॉलरी में से हम दोनों में से कौन से यूज करेंगे यहाँ पे ये डिसाइड करने के लिए हमें इसकी इनिशियल और टर्मिनल आर्म का बताना जरूरी है क्योंकि एक में हम दो एंगल वो लेते हैं जो साइड पे हो रहे होते हैं शेयर मतलब उसी साइड के ऊपर दो एंगल लेंगे अगर हम तो वो होगा हमारे पास वो थ्योरम होगा जिसको हम करेंगे यूज लेकिन अगर हम ले रहे हैं एक साइड और एक उसके ऊपर एंगल और एक उससे ऑपोजिट। तो अब देखते हैं कि अभी हमने बात की है ए बी की एंगल वन है इसके ऊपर। इसकी बात की है हमने C, की एंगल है उसके ऊपर अब हम जो दूसरा एंगल ले रहे हैं अगर वो दूसरा एंगल इसके ऊपर हुआ मतलब अगर ये है ए पे तो ये यहां पे अगर हुआ इस लाइन सेगमेंट पे बी पे तो वो हम इस तरीके से नहीं ले सकेंगे के हमारे पास सेम ही लाइन पे आए तो हमें क्या करना है हमें यहाँ पे मेंशन करना है कि निशल आम और टर्मिनल आम क्या है यहाँ पर तो हम उसको भी साथ ही मेंशन कर देते हैं ये मैंने इसलिए लिखा था ताकि क्योंकि हमने स्टार्ट में लिखा था आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने वहाँ पे हिस्सा लिखा यहाँ पे ऐसे क्यों नहीं लिखा रीज़न सिर्फ ये है कि सिर्फ ये डिसाइड करने के लिए कि दोनों दोनों में से हम कौन सा रिजल्ट यूज़ करें जिसमें दो एंगल और एक साइड होती है हम इनिशियल और टर्मिनल आम को भी यहाँ करेंगे मैंशन बी ए D congruent to B C E अब देखें यहाँ पे भी दोनों के हैं दरमियान में हैं और ये यही शो कर रहे हैं कि दोनों एंगल जो है एक ए पे है वर्टेक्स पे और एक सी पे है लेकिन हमने यहाँ पे फॉर्म इसलिए ये वाली यूज की है ताकि हम अब उसकी वो बता सकें नीशल आम और टर्मिनल आम भी बता सकें बट समहा हम ये इसको इस तरह लिखें तो वो गलत नहीं होगा रीजन सिर्फ यही है कि हमने सिर्फ देखना है कि हम कौन से पोस्टलेट हम कौन से, से या रिजल्ट्स को यहाँ पे यूज कर सकते हैं तो यहाँ पे हम रीजन क्या लिखेंगे रीजन लिखेंगे गिवन है हमें एंगल वन टू, एंगल टू, जो कि हमें क्या था गिवन था ओके अब हमारे पास एक साइड आ गई है और एक आ गया है एंगल उसके बाद देखना है कि क्या कोई ऐसा एंगल है जो हमारे दोनों ट्रायंगल में कॉमन है एक एंगल है ये एक एंगल है ये एक एंगल है अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं इसमें वन टू थ्री और अगर इसकी बात करूं वन टू थ्री तो ये दोनों वो हैं हमारे एंगल जो दोनों में कॉमन नहीं है और ये भी वो थे जो दोनों में कॉमन नहीं थे लेकिन एक ऐसा हमारे पास एंगल है यहाँ पर दिस वन ये एंगल हमारे पास स्टूडेंट ऐसा है जो दोनों में ही क्या है कॉमन है तो मैं अब इस एंगल पे बात करूंगी कि इस एंगल पे हमारे पास हम किस तरीके से कॉन्ग्रेंट इसको राइट right कर सकते हैं तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसको करती हूँ मेंशन एंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट टू हमने अब रखना है बी को दरमियान में और हमारा ट्राइंगल क्या था सी से स्टार्ट हो रहा था हम सी बी और ले लेंगे ईके e. okay. अब ये दोनों हमारे पास क्या हैं

ए बी हमने जो प्रूफ करना था डी कॉन्ग्रेन टू ट्राइंगल सी बी ई ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रेन टू ट्राइंगल सी बी ई हम अब क्या करेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे रीजन रीजन में हमारा आ जाएगा जो हमने रिजल्ट यहाँ पे यूज़ किया है एस एक ली थी साइड और दोनों क्या लिए थे एंगल्स टू साइड एंगल एंगल और जो चीज हमने प्रूफ करनी थी वो हम प्रूफ कर चुके हैं दैट्स इट यस स्टूडेंट आई होप जो हमने आज दो किए हैं क्वेश्चंस उनमें से एक थी हमारे पास एग्जांपल और एक था एक्सरसाइज का क्वेश्चन जिसको हमने किया था प्रूफ और यूज किया था अपने लास्ट रिजल्ट को आई होप वो आपको क्लैरिफाई हो चुका होगा कीप लर्निंग सी इन द नेक्स्ट लेक्चर अल्लाह